जोर से बोलिए। देखिए बेसिकली ये जो आज हुआ है ये ऑल फेथ एसोसिएशन की तरफ से एक पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए ये चीज़ किया गया है। बिकॉज अक्सर क्या हो रहा है, आप डिफरेंट न्यूज़ के चैनल के थ्रू आप देख रहे होंगे कि ये मूवी देखने के बाद जो एक यौथ जिनके पास आज जॉब नहीं है वो एक पर्टिकुलर यौथ जो है इस मूवी को देखने के बाद मोटिवेट होकर वो एक गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। देखिए इस चीज़ से कोई ये परहेज नहीं है कि जो हुआ पास्ट में वो बिल्कुल गलत था, जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, लेकिन उस हादसे को उस हके मतलब उस इंसिडेंट को से इंस्पायर हो रहे हैं लोग आज के डेट 20 साल 25 साल बाद, और उससे इंस्पायर होकर जो इस मूवी के ज़रिए जो लोग इंस्पायर हो रहे हैं और देखने के बाद जो एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो गलत है। कौन सी मूवी की बात आप कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ कश्मीरी फाइल की। अच्छा, कश्मीर फाइल से आपको क्या मतलब तकलीफ है, क्या एहतजाज है? देखिए बात मुझे मुझे तकलीफ की बात नहीं है। अगर पास्ट दिखाया गया है तो चलिए वो दिखाया गया तब तक तो ठीक है, ठीक। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे भी है कि चलिए जिसके साथ गलत हुआ वो पूरा गलत था, लेकिन वो मूवी देखने के बाद जो एक यौथ मोटिवेट हो रहे हैं और वो जाकर किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, जो नए गुनहगार बने और जो गुनाह के शिकार हुए, क्या उन दोनों लोगों ने उस वक्त कुछ ऐसा कुछ किया था? मेरे आप इस सवाल का आप जवाब दीजिए। तो जो नए गुनाहगार बने उनको तो फिर सज़ा मिलेगी, और जिन्होंने जिनके साथ ये हादसा हुआ उनकी क्या गलती थी? तो हमारा तो संविधान यही कहता ना कि 10 गुनहगार छूट जाए पर एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो भाई हम तो ये मूवी दिखा के हम 10 गुना बना रहे और 10 बेकसूर को सज़ा भी दिलवा रहे जिसकी कोई गलती नहीं थी। जम्मू एंड कश्मीर में हालिया असेंबली चुनाव होने जा रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी जो है प्रोवोक करने के लिए तैयार किया गया है? पॉलिटिकली चीज़ों से मैं इस चीज़ों को नहीं, मैं जो चीज़ गलत हो रहा है मैं उस चीज़ के बात की बात कर रहा हूँ। देखिए पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है नहीं कर रही, देखिए आज के डेट पे देखिए हमारे लिए ये हमारे देश के लिए तो देखा जाए तो ये बहुत बदनसीबी है हमारे जी। आज हमारे देश में हज़ारों मुद्दे ऐसे, शायद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप एज अ मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप ईमानदारी से पत्रकार कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए क्या आप अपना घर अच्छे से चला पा रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए बताइए क्या पेट्रोल के प्राइसेस से आपको फ़र्क नहीं पड़ता? आप जो कुकिंग ऑयल खरीदने जाते हैं आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता? कमर्शियल गैसेस आज से 250 रुपये तेज़ी पर बढ़ गया है, टोल टैक्स 10 से 75 रुपये बढ़ गया एक दिन में, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता? लाइफ सेविंग मेडिसिन जो लगभग 500 से 800 ऐसे मेडिसिन हैं जिन पर 10% की टैक्स लग गई है, और शायद हमारा भारत ऐसा हमारा पहला देश होगा जो लाइफ सेविंग मेडिसिन पे भी टैक्स लगा। मैंने आप हिंदुस्तानी शहरियत वाले लोग को ये कहना चाह रहे हैं, ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि मेन इशू पे जो फोकस करें, महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गए, ये सब है बिकॉज उससे आप और हम सब सफ़र करते हैं। देखिए सबसे जो छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर वो कोई आपसे वायदा कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब वो आपसे वोट लेने के लिए आए तो आप उनसे सवाल कीजिए क्या उन्होंने आपका वायदा पूरा किया, सवाल करना सीखा। मैं देखिए अगर लोग अक्सर कह रहे हैं कि कश्मीरी फाइल तो ये दिखाया गया तो फिर एक और कोई मूवी है गुजरात दंगे पे हुआ, मैं दोनों के अगेंस्ट में, जहाँ भी नफरत की चीज़ें दिखाई जाएगी मैं उसके अगेंस्ट में। दिखाना है तो आप पीसफुल दिखाइए, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मैंने जस्ट अभी भी कहा था कि दिखाना है तो दिखाइए लॉकडाउन के टाइम कैसे पूरा इंडिया एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद कर रहा था। आपने बहुत सारे मीडिया में देखे होंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी नॉन मुस्लिम के एरिया में जाके फूड पैकेट दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम के एरिया में, दिस इज़ आवर इंडिया, आप इनको दिखाइए ना, अच्छी चीज़ों को दिखाइए, आप बुरी चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं? हम राम के फॉलोअर हैं, रावण के फॉलोअर तो नहीं है, तो जो गलत हुआ उसको पीछे क्यों जा रहे हैं? तो आप जो है एक सेंटेंस में या एक जुमले में जो है कश्मीरी फाइल्स के ऊपर में आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैं सिर्फ एक वर्ड में यही कहना चाहूँगा
इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सुनने में भी अच्छा लगता है, दिखने में भी अच्छा लगता है, और अगर आप इसको एक मैसेज दे तो भी अच्छा लगता है। हिंदू मुस्लिम दुश्मन दुश्मन ना सुनने में अच्छा लगता है ना दिखने में अच्छा लगता है, और इसका जो आउटपुट निकलता है वो भी अच्छा नहीं होता। तो हम अच्छी चीज़ों की तरफ जाए, बुरी चीज़ों की तरफ। आप जरा सा अपना पूरा नाम बता दीजिए और आपका क्या पोस्ट है। जी देखिए, ऑल फेथ एसोसिएशन का मैं भी एक मेंबर हूँ, और बस मैं यही यूज कर सकता हूँ। और क्या करूँ, आज के प्रोग्राम में कुछ कन्वेनर वगैरह भी थे क्या? जी कन्वेयर तो नहीं हूँ, बट मैं चूँकि एक अच्छी सोच है, लोगों को जोड़ने की बात है, तो मैं इनसे इंस्पायर होकर मैं भी इसमें जुड़ा हूँ।